तो भाई आज मेरे पास है 100 रुपए और आज मैं खाऊंगा सिर्फ दिल्ली में सबसे सस्ता स्ट्रीट फूड। मैं आज पूरे दिन में बस 100 रुपए खर्च कर सकता हूँ और मुझे टोटल 4 बार पेट भर खाना खाना है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स और उसके बाद खाना हमको डिनर। अभी चल फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बढ़िया है जूस पीते हैं। चलो तो भाई सबसे पहले हम आ चुके हैं दूध पीने के लिए, मतलब जूस पीने के लिए बाकनेर में कोई अखाड़ा है, उस अखाड़े के साइड में है भाई ये जूस वाला कॉर्नर, तो यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो भाई मैं ऐसा सोच रहा था यहाँ पे 10-20 रुपए का मिल जाएगा जूस, पर तो भाई 30 का बोल रहे हैं, बट कोई ना मैंने बात कर लिया अंकल, मैं कहा 20 का दे तो 20 वाला जूस पीते फिलहाल हम। इतने का तो यार हमारा भाई मिल जाता है, यहाँ क्यों लेकर आया तो मुझे क्वालिटी भाई यहाँ की अच्छी है। ठीक है जो मेरे ख्याल था प्री वर्कआउट है, प्रोटीन है, जूस में मिला के पीऊंगा इसे। कह रहे अंकल पैसे मिलेंगे अंकल मेरे को, आपकी दुकान पे आऊंगा ऐसे करूंगा। ओरिजिनल वाले नहीं भाई, ओरिजिनल हूँ। तो गाइस ये हमारी पहली ब्रेकफास्ट की मील जो 20 रुपए की हमको मिली है। भाई वीडियो के बीच में एंट्री करवाना आया था बैंक में, सही प्रिंटर ना चल रहा बेचारे का, सही कैमरा मैन है। मैंने तेरे से लोकेशन भी अड़की तुम्हारे बताई थी ताकि काम हो जाए। तो भाई फिलहाल हम आ चुके हैं निर्मला जाली पे, थे शुरू से ही, लेकिन अब हम ट्राई करने वाले हैं छोले भटूरे, यहाँ के बहुत ज्यादा मस्त लगते हैं भाई मेरे को, और देखते कितने कम रुपए मिलते हैं, खा के ट्राई करके बताता हूँ टेस्ट कैसा आपको पैसे के हिसाब से। चलो गाइस यहाँ पे कपल भी बैठे रहते हैं जिनको देख के मुझे बहुत जलन होती है, क्या करूँ मैं, कोई बात नहीं 100 रुपए मेरे पास, मेरे से कौन पटेगी। भाई क्या से प्लेट है बना दियो एक प्लेट यार। तो भाई मैंने काफी सारे जगह छोले भटूरे खाए लेकिन सबसे सस्ते मेरे को 30 रुपए प्लेट यही मिली है। वैसे मैंने यहाँ पहले भी छोले भटूरे खा रखे हैं, 30 रुपए के हिसाब से छोले भटूरे मेरे को भाई चीप ही लग रहे हैं। बाकी आपके वहाँ पर ये छोले भटूरे कितने रुपए प्लेट मिलते हैं मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, देखने में तो भाई अच्छे लग रहे हैं, बाकी खा के बताता हूँ टेस्ट कैसा इसको 30 रुपए में ये वर्थ इट है। तो भाई छोले भटूरे मैंने खा लिए हैं और इसका टेस्ट मेरे को लगभग सेम ही मिला जैसे मैंने भाई खाए थे लास्ट टाइम 60 रुपए की प्लेट। हाँ हम कह सकते हैं कि 30 रुपए के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि 30 ही का तो है। तो भाई ये भाई 30 रुपये पर है खतरनाक वाला, इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हो नॉलेज। तो भाई हमारे पास टोटल 50 रुपये बचे हैं, 20 रुपये का सुबह हमने कर लिया था भाई ब्रेकफास्ट जूस, उसके बाद लंच में कर लिया हमने भटूरे का 30 रुपये के साथ, बच रहे 50 रुपये, 50 में हमको करना है डिनर और स्नैक्स लेंगे शाम को, तो देखते क्या क्या खाते अलग ट्राई करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। तो अभी फिलहाल 5 बज चुके हैं, भूख लग रही बहुत तेज, तो मैं फाटक के पास स्टेशन पे जहाँ पर 5 रुपये का एक समोसा मिलता है वही ट्राई करने आया हूँ। तो भाई ये हैं 10 के 2 समोसे जिसको मैं हंस के लाया हूँ, तो टेस्ट करके बताता हूँ कैसे हैं ये, भूख मेरे को बहुत तेज लग रही है फिलहाल। तो भी समोसे का रेट तो 5 रुपए था लेकिन टेस्ट बिल्कुल 10 रुपए वाले जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा समोसा है 10 वाले से इसलिए 5 का शायद ये। भाई हमने खा लिया खाना, थोड़ी सी भूख शांत हो गई लेकिन भूख भी मेरे को लग रही है, डिनर करेंगे थोड़ी सी रात में। ठीक है तो भाई फिलहाल आ चुके हम टिक्की खाने के लिए, 10 रुपए की टिक्की मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर 10 रुपए की टिक्की मिल रही है, यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ भाई भारत माता मंदिर है स्वतंत्र नगर में, वहाँ पर ये भैया बेच रहे हैं। कंपटीशन का काम चल रहा है, कंपटीशन के लिए या प्यार के लिए? प्यार के लिए तो है ही है, पर कंपटीशन ज्यादा चल रही है, वहाँ देखो तो आलू अकेला, यहाँ देखो छोले साथ में, यहाँ पे भाई छोले मिल रहे हैं साथ में टिक्की के साथ छोले 10 रुपए में। तो भाई ये रही हमारी 10 रुपए की टिक्की, चलो खाते हैं इसको। नमस्ते, अभी तक जितनी भी चीज खाई है ना सब सस्ती है ये, सबसे बेस्ट है अभी तक की। भाई कैमरा मैन भी खा रहा है टिक्की क्योंकि सच में बहुत ज्यादा टेस्टी टिक्की है ये 10 रुपए के हिसाब से। भैया के पास आया हूँ भाई मैं आज, एक बात पूछने के लिए, भैया चीप नहीं देते सामान इसलिए यहाँ पे खाएंगे नहीं हम। अभी तो भारत के अंदर ये अभी चीप, भारत क्या सुनो, तो 30 रुपए आपके पास, वही तो इंग्लिश को पेट भर खाना खाना है तो आप क्या खाओगे? आई वुड गो विद राइस बिरयानी। 30 की मिल जाएगी? हाँ भाई 30 की बिरयानी खाते हैं, चलो ठीक है ओके भैया थैंक यू। भाई पूरा नरेला ढूंढ लिया हमने, कहीं भी सस्ता सामान नहीं मिल रहा है ना, बिरयानी मिली कहीं भी, बिरयानी तो खत्म ही हो रही, घर चला गया बिरयानी वाला, तो कहते हैं अंडे उंडे अंडे उंडे यार खाने के ना यार, कुछ और देखते हैं। तो भाई यहाँ पर हम खा रहे हैं 10 रुपए का चाउमीन रोल और भाई मेरे को मिलता है एक भाई जिस भाई से मैं करवा ले तो अपना चैनल सब्सक्राइब मतलब खुद ही कर देता हूँ, उसका फोन हाथ में लेके भाई मैं करता रहता हूँ ऐसे क्योंकि भाई बहुत प्यार मिलता है तुम लोगों से, मेरे को अच्छा लगता है कि थोड़ा और प्यार मिल जाए गाइस, तो तुम भी कर दो सब्सक्राइब, इसी बात में सब्सक्राइब 10 रुपए गाइस।
बच्चों खाते हैं फटाफट से। लूंगा यार तू खाना। अरे भाई नहीं, एक तो ले ले यार। अरे इतना ज्यादा बना रहा है यार। अरे तो क्या इसमें से खाना? अरे नहीं लूंगा तेरे में से। तू क्यों खा रहा साले मेरे में से? इसने कब उठाया है? 10 रुपए उधार है। 10 रुपए उधार बदला ले रहा है तो। स्वतंत्र नगर के अंदर है हम, यहाँ पर भाई खाए हमने किंग फास्ट फूड के ये रोल सही है। 10 रुपए खाए हुए हमने यहाँ पे। 10 चौमिन भी ले रहे हैं ताकि पेट भर जाए। जैसे हम चौमिन खा के निकलते अपने अगले टास्क की तरफ, हमको एक कार वाला मार नाली में। अब हमारे पास 20 रुपए और मैं फैसला करता हूँ डेजर्ट में कुछ मीठा खाने का और एक ऐसी चीज खाने का जिसको खाने के बाद हम भाई अपना प्रॉपर डिनर कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो भाई मैं 10 रुपए की जलेबी को लेकर आ चुका हूँ घर पे और अब मैं लेकर आया हूँ 10 रुपए का दूध और दूध के साथ जलेबी खाकर हम अपना डिनर कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस इस मील से मेरा पेट भर जाता है और साथ में ये हेल्थ भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डू सब्सक्राइब फॉर मोर दिस टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड वीडियोस।